एक सवाल जो 2016 में पूछा गया था वो क्या था कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव हाइड्रोलिक फॉर एन इफेक्टिव हाइड्रो फ्रैक्चरिंग वेल। मतलब आप अगर वेल को हाइड्रो फ्रैक्चरिंग कर रहे हो तो स्किन फैक्टर उस वेल का जनरली क्या होगा। तो मुझे अगर मान लो वेल को हाइड्रो फ्रैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मतलब वेल को स्टिमुलेटेड कर रहा हूँ, तो मतलब के स्किन ग्रेटर देन के हो जाएगी, मतलब परमिबिलिटी नियर द विसिनिटी ऑफ द वेलबोर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर परमिबिलिटी नियर द विसिनिटी ऑफ द वेलबोर बढ़ जाएगी तो डेल्टा पी स्किन जो अब है वो कम हो जाएगा, मतलब स्किन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो स्किन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ गई। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। विथ कंसेप्ट हमने ये बात देख ली, कोई दिक्कत नहीं। ये वो सवाल है जो गेट 2016 में आया था जब हमने गेट दिया था। बहुत ही लुल्लू पुच्चू सवाल था, बहुत ही फटाक से हमने इसको कर दिया था। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखो इसको आसानी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने पी आई की वैल्यू मुझे दे दी, मुझे स्लोप की वैल्यू भी दे दी है, पी वन आवर की वैल्यू भी दे दी है। लेकिन समझने वाली बात देखो क्या है, पी वन आवर इसने यहाँ निकाला है ना कि यहाँ, जो कि हम समझ चुके हैं कि मुझे पी वन आवर कहाँ निकालना है, जो ये स्ट्रेट लाइन सेमी लॉग स्ट्रेट लाइन बनेगी उसी पे मुझे पी वन आवर निकालना है। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मुझे एम दे दी है और मुझे पूछा क्या है, देख लेते हैं, स्किन पूछा है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब 50 थिक रिजर्वायर, 50 फिट थिक रिजर्वायर है जिसकी पोरोसिटी 20 है और टोटल आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कितनी दी हुई है, ये भी दे दी इसने, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी दे दी इसने। द ऑयल इन द रिजर्वायर हैज विस्कोसिटी ऑफ 0.75 CP ऑयल की विस्कोसिटी दे दी, फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर दे दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर बिल्डअप इज कैरीड आउट ऑन वेलबोर रेडियस दे दिया, मतलब बाकी फ्लूड की रेट दे दिया, और फॉर हमने 500 घंटे प्रोड्यूस किया है तो टीपी कितना हो गया मेरा, 500 घंटे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्लोइंग बॉटम वॉल प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ बिल्डअप इज दिस, मतलब PWS एट डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो मुझे कितना दे दिया, 3535 दे दिया। दस स्केमेटिक ऑफ प्रेशर बिल्डअप इज सोन, मतलब ये मुझे सेमी लॉग प्लॉट दे दिया बिल्डअप करने के लिए। अब मुझे स्किन बताना है, मुझे स्किन बताना है, इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता है। तो स्किन मुझे पता है, स्किन क्या हो गई, 1.151 P1 hour - PWS ले लूँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो अपॉन एम माइनस लॉग ऑफ के बाय फाई म्यू सी टी आर डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 3.23, यही इक्वेशन होती है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इस इक्वेशन में पी वन आवर दे दिया, पी डब्ल्यू एस दे दिया, पी वन आवर मुझे दे दिया, पी वन आवर और पी डब्ल्यू एस दे दिया, स्लोप भी मुझे दे दिया, ठीक है। मैं लेकिन फाइव म्यू सी टी आर डब्ल्यू दे दिया, बाकी सब चीज़ें दे दी, लेकिन के नहीं दिया इसने, परमिबिलिटी इसने नहीं दी है कहीं भी, मतलब परमिबिलिटी मुझसे निकलवाना चाहता है, बस कैलकुलेशन करवाना चाहता है, टाइम मेरा किल करना चाहता है, ठीक है। गेट में चाहता है कि मैं कम सवाल अटेम्प्ट करूं, लेकिन मैं भी क्या करूंगा, फटाफट सवाल कर लूंगा। तो ये हो गया 162.6, क्यू कितना है, 500 है, बी नॉट और म्यू कितना है, फटाफट देखते जाओ क्योंकि सवाल फास्ट करना है। 1.25 इंटू म्यू कितना है, 0.75, तो ये क्या हो गया, 1.25 इंटू 0.75, एम कितना है, एम की वैल्यू है 75 और एच की वैल्यू कितनी है, 50, तो 75 इंटू 50, ठीक है। तो के कितना आ गया, 162.6, फटाफट कैलकुलेटर चलाएंगे, 500 इंटू 1.25 इंटू 0.475, जो सवाल कर रहा है वो गेट के नज़दीक जा रहा है, जो नहीं कर रहा है वो फिर से हमारा कोर्स खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, खरीदना पड़ेगा उसको। ये देख लो यही आंसर आया, 20.325 आ गया, ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशन गलती नहीं की है, ठीक है, एस टी भी 500 ही दिया हुआ था, ठीक है। 162.6 इंटू 500 इंटू बी इंटू म्यू, म्यू कितना है भाई, 0.75 ही है, 0.75 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 50, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई, के आ गया तो एस निकाल लो, एस 1.151, पी वन आवर कितना दिया हुआ है, 4330 और 3535,
4300 माइनस 3535 अपॉन क्या कर देंगे 70 माइनस ऑफ लॉग के कितना हो गया 20.325 अपॉन 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वायर निकाल लो। अब देखो इसमें भी इसने हॉर्नर प्लॉट क्या किया है, बढ़ते क्रम में लिया है, इसीलिए स्लोप नेगेटिव लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वायर, 5 कितना है 0.2, म्यू कितना हो गया 0.75, सी टी कितना हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 म्यू सी टी इंटू आर डब्ल्यू का स्क्वायर, आर डब्ल्यू कितना है 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस 3.23, तो ये क्या हो जाएगा, एस आ गया 1.151 20.325 डिवाइडेड बाय आंसर लॉग आंसर दैट इज माइनस 7.35 प्लस 323 और यहाँ कितना हो जाएगा 4300 माइनस 3535 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज 10.928 ये आ गया। ठीक है, तो माइनस 7.35 प्लस 3.23 इंटू 1.151 दैट इज 7.8 समथिंग आ गया, क्या कुछ गलती की क्या, 4300 माइनस 3535 डिवाइडेड बाय स्लोप कितना है 75 है, सॉरी स्लोप क्या है 75, तो अभी कहीं गलती की क्या मैंने, नहीं स्लोप 75 है। ठीक है, स्लोप 75 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10.2 आ गई, 10.2 माइनस 7.35 माइनस 3.23 प्लस 3.23 इंटू 1.15 दैट इज 6.99 आंसर आ गया एस। ठीक है, गेट का सवाल हो गया, गेट पे भी मेरा सही हुआ था, ऐसे सवाल छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, में आया था जब हमने गेट दिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेरेंस टेस्टिंग पे एक क्वेश्चन था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है ना दोस्तों, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मे बी आपके पास उससे बेटर अप्रोच हो, लेकिन गेट में जो मैंने अप्रोच फॉलो किया था वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये मैंने आंसर से इसका सवाल का जवाब निकाला था विद सर्टेन रीजंस या लॉजिक्स, आप देखो 2 मिनट का टाइम लूंगा, समझने की कोशिश करना। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है कि इंटरफेरेंस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब क्या हो गया कि इंटरफेरेंस टेस्ट आप क्या-क्या चीजों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप देखोगे तो देखते ही आपको मन में आ जाएगा और आप सारे बोलोगे। जनरली क्या आता है दिमाग में, आता है कि ये कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इंटरफेरेंस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेन मुद्दे की तो वो मेन मुद्दे की बात पहले पॉइंट पर लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है, डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर वेल्स। ऑब्वियसली इंटरफेरेंस टेस्ट, हम दो वेल्स आपस में कम्युनिकेटिंग है या नहीं है उनको आइडेंटिफाई या वेरीफाई करने के लिए करते हैं। तो आंसर वन तो देखो हो गया पहला। दूसरा, जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ कि मैच्योर वेल्स में स्किन डैमेज को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो मैं देखता हूँ यार स्किन तो उतना ज़्यादा हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इंटरफेरेंस टेस्ट से। ठीक है, मतलब स्किन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आता इंटरफेरेंस टेस्ट में। ठीक है, तो कैसे मतलब स्किन को कैसे निकालेंगे, शायद नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो मैं मान लो ऑप्शन टू मैंने छोड़ के मैं आगे बढ़ गया। फिर मैं देखता हूँ डिटरमाइनिंग परमिबिलिटी इन द टेस्टेड वेल, तो मैं परमिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। देखो मैं फिर से सोचूंगा यार देखो निकाल तो सकते हैं लेकिन और बहुत ज़्यादा टेस्ट मेरे पास हैं जिससे परमिबिलिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो मैं अब ऑप्शन में आता हूँ, क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन तो 100% सही है लेकिन बाकी क्या है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटी सी बात लिख दी है कि इंटरफेरेंस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर, तो ऑब्वियसली देखो यूज तो ये हर काम के लिए किया जा सकता है, लेकिन क्या वो यूजफुल एनालिसिस की बात कर रहा है या जस्ट कि आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। आप सही निकालोगे आप गलत निकालोगे उससे मतलब नहीं है, या कितना एक्यूरेट निकलेगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है कि परमिबिलिटी निकालने के लिए, तो मैं ऑप्शंस पे आता हूँ। तो ऑप्शन में मैं देखता हूँ क्या कि 1 एंड 2, 1, 2, 4,
टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, मतलब देखो अगर इन ऑप्शंस में ऑप्शन टू जो है वो सारों में कॉमन है, तो मतलब मुझे ये वाला तो ऑप्शन सेलेक्ट हो ही गया, मतलब इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं माथापच्ची नहीं करूँगा कि ये होगा कि नहीं होगा, मतलब सीधा सीधी सारे में है तो होगा ही होगा यार, कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो और वन भी होगा टू भी होगा, तो देखो जहाँ वन नहीं है मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो वन के लिए तो मैं श्योर हूँ। अब क्या है, बात आती है कि ए होगा, बी होगा या डी होगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये मोर देन वन करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये स्किन को निकालने के काम में आ सकता है तो ये ऑब्वियसली परमिबिलिटी को भी निकालने के काम में आएगा, क्योंकि स्किन परमिबिलिटी के बिना तो निकलेगी नहीं, बस ना रही है। तो मतलब आंसर थ्री भी सही होना चाहिए, मतलब अब आंसर क्या हो गया, वन टू एंड थ्री मेरा आंसर है। अब मैं वापस जब ऑप्शन में आता हूँ तो मैं देखता हूँ ए में थ्री नहीं है, बी में भी थ्री नहीं है, लेकिन डी में वन टू थ्री तीनों है। अब मैं तीसरा भी पढ़ लेता हूँ कि प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी रिकवरी मेथड्स, क्या ये इनपुट देने में काम आएगा ऑफ सेकेंडरी या टर्शरी। अभी आपने ये देखो दोस्तों पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इनको जस्टिफाई कर सकता हूँ, यस। कैसे, कि आप जैसे कम्युनिकेशन आपने पता किया, मैं आपको एक छोटी सी बात से बस रिलेट करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि अगर मान लो ये दो वेल्स हैं और आप मान लो एक सेकेंडरी वाटर फ्लडिंग करना चाहते हो, आप मैंने ये बात की भी थी कि आप पानी यहाँ से यहाँ इंजेक्ट करके यहाँ ऑयल को डिस्प्लेस करके प्रोड्यूस करना चाहते हो, लेकिन अगर इंटरफेरेंस टेस्ट में ये पता चलता है कि बीच में फॉल्ट है, तो क्या आप इस वेल से पानी इंजेक्ट करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि पानी इंजेक्ट करोगे तो कभी पानी इस जगह नहीं पहुंचेगा, बस ना ये। तो ये कुछ इनपुट्स हो गए, एक एग्जांपल हो गया इनपुट का जो आपको इंटरफेरेंस टेस्टिंग से मिल सकता है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आंसर मेरे क्या हो गए, चारों आंसर सही हो गए, तो आंसर क्या आ गया मेरा, डी आ गया। अगर मैं ऑप्शन देख के नहीं बनाता तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता इसको डिसाइड करने में, बस ना रही है, इसको भी सोचने में। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर डी मेरा सही हो गया। तो हमेशा आप एक अप्रोच क्या रखोगे कि क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को भी जल्दी देख लेना, समझना। कई बार ऐसा होता है कि आंसर से ही वो बता देता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बेसिस में आप उसको आंसर कर सकते हो। तो विथ लॉजिक हमने ये सवाल देख लिया, तो हम इनपुट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं इन सेकेंडरी एंड टर्शरी मेथड्स ऑल्सो, हम इनकी बात अपने ईओआर चैप्टर में करेंगे, कोई दिक्कत।